गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई है। कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की है। 178 लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। कनाडा एम्बेसी में दस्तावेज दिखाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पठानकोट निवासी पोपिंदर सिंह और दिल्ली निवासी प्रीति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। थाना वेव सिटी में केस दर्ज हुआ है। पहले तो नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया और फिर करोड़ों की ठगी की गई। कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर यह पूरी ठगी हुई है और लगभग 178 लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ऐंठे गए। अमित राणा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हुई है, लेकिन जब ये मामला सामने आ गया है तो इसमें अब कार्रवाई क्या हुई है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला थाना वेव सिटी का है, जहां पर की पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। और उसका कहना है कि ना सिर्फ वो बल्कि उसके जैसे तकरीबन 150 से भी ज्यादा, यानी कुल जो तादाद है 178 लोगों की है, जिनको की विदेश कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। पूरा मामला ये हुआ कि पहले जिस व्यक्ति के साथ ठगी की गई उसके परिचित बने, उसके बाद महिला ने उसे प्रलोभन दिया कि उसे एचआर की नौकरी दिला दी जाएगी कनाडा में, जिसके बाद एक के बाद एक तकरीबन ऐसे 178 लोगों को अपना शिकार बनाया गया और तकरीबन 2 से 2.25 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इनको तब पता चला जब ये अपने पेपर्स लेके कनाडा एम्बेसी पहुंचे, तो एम्बेसी जाने के बाद पता चला कि इनके साथ जालसाजी हुई है, इनके साथ ठगी हुई है, जिसके बाद ये तमाम लोग जो है वो थाने पहुंचे, वेसिटी थाने, और वहाँ 400 BC का मुकदमा दिल्ली निवासी की महिला सहित एक युवक पर भी कराया गया है। अब पुलिस तफ्तीश की बात कर रही है। वहीं दूसरे जो नंबर इन्होंने दिए हुए थे, जो ऑफिस अपना दिया हुआ था, उन जगह पर अभी ताले लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस सर्विलांस की वजह की बात कर रही है और जल्दी आरोपी को पकड़ने का दावा भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित।